शेख ही आगे पढ़ने की भी जो है ना वो थोड़ी फरमाइश आ रही है। जी मैं अभी आगे आ रहा हूँ सर, 84 से तो शुरू किया, 85 से फतवा इसका है। सबाबा सो ही फॉलोड अवे। जी, फॉलोड अवे जमीन में क्यों फॉलोड, सही। सबाबा वही है, ही फॉलोड द वर्म होल। ओके हत्ता इजा बलागा मगरिब शमसी वजदा बिल्कुल तगरुबु फी ऐनिन बिल्कुल हमियतिन बिल्कुल, व यहाँ पे वजदा आके ना अंदहा अमूमी तौर पे मुसलमान कंफ्यूज होते हैं कि यार वो जमीन में है ना, तो सूरज तो जमीन में गुरूब होता है। अंटिल व्हेन ही रीच द सेटिंग ऑफ द सन जी जी बिल्कुल, ही फाउंड तो इट एज इफ सेटिंग इन अ स्प्रिंग ऑफ डार्क मड। या तो क्या किसी इंसान की साइकोलॉजी में है कि सूरज किसी डार्क मड में गुरूब होता है, हम में से कोई सोचता है ऐसे? सही। ये तो कौन से उलमा कलाम ने बीच में से वो कोई सूरज को जमीन सीनी पे वो क्यों सीनी कराया? जमीन पे हो सकता है जो डार्क है, ब्लैक सी। इट्स नॉट ठीक रियली है, डार्क देखिए द मैं आपको ब्लैक सी। बताता हूं यस आपको, सूरज जमीन पे गुरूब ही नहीं होता, पूरी दुनिया पे हुक्मरानी है जुल्करनैन की, उसको इतना नहीं पता कि जहां जाता है सूरज आगे से गुरूब नहीं हो रहा। सही। ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ, या तो उसको पूरी दुनिया में हुक्मरानी ना दें, सही। या अगर दे रहे हैं तो फिर उसको इतनी तो एक्सेस दें कि हाँ उसको जहां पे भी जाता है कि पता चलता है सूरज गुरूब नहीं हो रहा, सूरज और भी आगे जाता हूं तो फिर सूरज ही मिलता है मुझे। ठीक है। मगरिब और मशरिक दोनों के एंड निकाल दिए जी उसने, जी अभी मैं जी कुरान पाक से ही बताऊंगा जी आपको कि ठीक कहां है। सूरज गुरूब होता है। सही। ठीक है, सूरह यासीन की ना आयत नंबर 9 में, आई थिंक 9 या 4, 9 से लेट मी आई सी। थिंक, अभी आपको बताता हूँ वो जुल्करनैन कहाँ पे सूरज गुरूब होने की जगह देखता है, और ऐन इन हमिया भी बताते हैं आपको इंशाल्लाह। सूरह सूरह यासीन, यासीन वर्स 9। जी हाँ, सूरह यासीन वर्स 9 में अल्लाह ताला ने बताया कि ये तो है सूरज, वजअलना मिन बैनी अईदीहिम सद्दन व मिन खल्फीहिम अच्छा सद्दा। ये मैं फिर सूरह यासीन की है, वशम्स व तजरी, जी, वो नौ नहीं, वो देखें मैंने वो कहा चार वशम्सु है, तजरीली 11, मुस्तकर रीला हाँ एक और मुस्तकर क्या है था, रिल्ला। हाँ ये शेख आगे की है, काफी इलेवन आगे की। है मैं कुछ, निकाल लेता हूँ, आप तब तक बात 38 करें। देखें इसकी, ओके 36 38। 38 देखें। मैं असल में ना तीन अलग अलग चीजें इस वक्त सोच रहा हूँ। ठीक, मैं निकाल रहा हूँ। सो आपको भी जुल्करनैन की ना जर्नी हम दिखा रहे हैं ताकि आपको पता ठीक चले कि ठीक सेटिंग ऑफ द है, सन अल्लाह ताला किसे कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। यस वर्स 38। जी हाँ, 38 एंड द देखें। सन रन्स ऑन कोर्स टूवर्ड इट्स स्टॉपिंग पॉइंट, ठीक है, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्जॉल्टेड इन माइट द नोइंग। सो व्हाट इज द स्टॉपिंग पॉइंट हियर? ये बस अरबी खुल जाए, मैं आपको। नहीं अरबी में नहीं है, उर्दू में, इसकी अरबी में तो मुस्तकर रहा है ना, नहीं, मुस्तकर रिल्ला की तो है कि एक खास मुद्दत के लिए गालिबन। जस्ट अ मोमेंट। अरबी व शम्सु तजरीली मुस्तकर रिल्ला जालिका तकदीरुल अजीजिल अलीम हाँ बस व इसलिए। शम्सु तजरीली मुस्तकर रिल्ला। ठीक है, यस अब इसकी इसका आसान सा मतलब ये है जो कि किसी भी ट्रांसलेशन में मिल जाएगा कि सूरज अपने एक खास मकाम तक सफर कर रहा मकाम है, तक सफर, बिल्कुल यही है, उस एक मुद्दत के पॉइंट बाद उस तक। पॉइंट पहुंच जाएगा और खत्म हो जाएगा, यस दैट्स द यस ये सेटिंग तो पॉइंट ऑफ द सन। साइंटिफिक है, ये बिल्कुल जी, और बेसिक ये वाली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट साइंस है। जो है वो जुल्करनैन ने कि इसमें क्यों नहीं लगा रहे, वहां पर भी साइंस लगाए कि सूरज जमीन पे तो गुरूब ही नहीं होता, वो भी साइंटिफिक है, सही। जमीन सूरज से बड़ी दूर घूम रही है, ठीक सूरज है जमीन के ऊपर आगे कहीं गुरूब नहीं हो रहा, ठीक है ठीक समझ है। रहे? सूरज अपनी जगह पे जाके खत्म होगा, और वो जगह कौन सी है उसको अल्लाह ताला ने बताया, वो है डार्क प्लेस, द डार्क मड, जिसको आज हम सबको पता है डार्क मड क्या है, हर सितारे की एक सेटिंग पॉइंट को डार्क मड ही कहते हैं हम, साइंस आज उस हर सितारे को डार्क मड से ही कहती है, उसको हम कहते हैं ब्लैक होल है, लेकिन अच्छा कि हर सितारा अपने ब्लैक होल की तरफ मूव कर रहा ये तो है। ठीक है ठीक है, जी। और कुरान पाक ने इतनी दफा बताया कि उस दिन इजा शम्स कुव्विरत, ये क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, आयत सूरत नंबर क्या है सन विल ये? बी फोल्डेड अप। नहीं, खोले ना जरा, तकवीर सूरह तकवीर है ना, 81 है कि इज़ द 88, शम्सु कुव्विरत एटी इजा वन शम्स कुव्विरत क्या है ये, व्हेन द सन विल बी फोल्डेड अप, ये तर्जुमे मना जाए ना आप, व्हेन द सन इज रैप्ड अप इन डार्कनेस। डार्क डार्क एंड। अल्लाह अकबर। ठीक है डार्कन। यस जी, तो वो यस ब्लैक होल में एंटर हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक है, सही। और मैं ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट फ्यूजन आपको खत्म बता हो देता जाएगी, हूं, प्रोसेस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, एवरी स्टार इधर इज गोइंग टू टर्न इन टू अ ब्लैक होल और विल गो इन टू अ ब्लैक होल, इवेंट होराइजन, आई या थिंक दिस इज द, या सो फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विच इज द नेबुला टू द ब्लैक होल विच इज द या और द सुपरनोवा, बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल दो ही ठीक। केसेस है ना स्टार यस के, यस तो यस अब तो हमें सब कुछ पता है इस बात का,
सही, कि सितारा अपनी शुरू की एक खास जगह से करता है और एंड एक खास जगह पे करता है। वो बिल्कुल मैं ठीक इसलिए है, इस तरफ हाथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो ब्लैक होल पुल कर रहा होता है सितारे को। ठीक हो गया, ठीक हो तो गया। अगर वो इतना बड़ा है कि वो ब्लैक होल से पुल होने की बजाय खुद ही साइज में फटेगा तो वो फिर खुद ब्लैक होल बन खुद जाएगा। ब्लैक होल बन वो मैं जाएगा। आपको आसान करके बता दूं जिनको ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी कायनात को अल्लाह हू अकबर सबसे बड़ी बड़ी चीजों से मुजयन किया, ठीक है, और इस पूरे के पूरे सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए ना यस अल्लाह ताला ने ग्रेविटी की फोर्स बनाई। ठीक और है, ग्रेविटी की फोर्स कैसे बनाई अल्लाह ताला ने, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डीप साइंस में नहीं जाऊंगा, कि सितारा जितना बड़ा होगा ना उसको, अच्छा ब्लैक होल बनता कैसे, सितारे को ना श्रिंक कर दें और इतना श्रिंक करें कि आपके हाथों में आ जाए सितारा, हाथों में लिटरली इतना सा बन जाए सितारा, असली सिंगुलैरिटी सितारा बेसिकली, क्या, या कि तो उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, और जो उसका उसका बाय द वे वो मैस उतना ही रहेगा ठीक है, और उसको ग्रेविटेशनल पुल इतना बढ़ जाता है कि वो बिलियंस में होता है। इसकी मैं बड़ी सिंपल एग्जांपल ऑडियंस को देता हूँ, समझ जाएंगे। मैं उसको आप इससे पहले कि आप दें, मैं आपको चलिए आप पहले एग्जांपल दें फिर मैं आपको बताऊं कि हाउ वेयर एम आई गेटिंग एट, कहाँ वो लेके जा रहा हूँ। ऑडियंस की इसके लिए जहाँ कि जरूर बुर्ज अल खलीफा जो है, इट इज़ मेड ऑफ एटम्स ऑब्वियसली, एंड एटम इज मोस्टली एम्प्टी। अगर उसकी एम्प्टीनेस को रिमूव कर दिया जाए और सिर्फ उसके न्यूक्लियस को देखा जाए जिसका असल में वेट है, तो बुर्ज अल खलीफा कैन बी यू नो श्रिंक्ड इनटू लिटरली व्हाट शुड वी से अ ग्रेन ऑफ सैंड, लिटरली उसका वो रह तो ये तो और जाएगा। मुश्किल हो जाएगा ऑडियंस के लिए। कि चलिए मैं आपको ठीक बताता हूँ, एक सितारे को ना पकड़ के अल्लाह ताला ने सबसे बड़े बड़े सितारे बनाए, जी, जितने बड़े जो जिसको अल्लाह ताला कहते हैं बड़े हैं ठीक ठीक है। है, और उसको अल्लाह ताला ने श्रिंक किया ताकि पूरी की पूरी एरिया के अंदर ग्रेविटेशनल पुल से सारे के सारे अपने 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 औकात में रहें सारे ठीक है, ठीक है, ठीक अपने है, अपने महवर में रहें। सही। सो जितना बड़ा सितारा होगा उतना ज्यादा एरिया के ऊपर वो कंट्रोल करेगा अपनी अपनी ग्रेविटेशनल पुल से ग्रेविटी, ठीक है, यस तो यस उसकी जी की वैल्यू बनेगी ना। बिल्कुल ठीक सो है इसलिए अल्लाह ताला ने इतने बड़े बड़े सितारे बनाए हुए हैं। जी। इसके सिंपल कॉमन सेंस के लिए साइंस भी पहुंच चुकी है कि इतना बड़ा सितारा होना जरूरी है, वरना उसका इतना बड़ा ब्लैक होल नहीं क्रिएट होगा, ठीक और अगर है, ब्लैक होल नहीं क्रिएट होगा तो सस्टेनेंस ऑफ ग्रेविटी पूरी की पूरी स्पेस में कायम नहीं हो सकती ओके। ठीक है। सो इसलिए हम देखते हैं ना एंड्रोमेडा कितना बड़ा है सूरज से, तो वो इसलिए बड़ा है कि अल्लाह ताला ने उसकी उम्र बनाई हुई थी, अब वो जब फटेगा तो वो ब्लैक होल बनेगा, तो वो अपने से मतलब देयर इज अ स्टार दैट वी नो विच इज 200 बिलियन टाइम्स बिगर देन द सन ठीक है, द फर्स्ट बिग बैंग वॉज 540 बिलियन टाइम्स बिगर देन द सन, 540 बिलियन टाइम्स बिगर देन द सन। सो वो कितना बड़ा सितारा था जो कि फटा था उस वक्त। शेख एक सवाल है कि आर ब्लैक होल्स पोर्टल्स? नो ओके दिस गुड क्वेश्चन, अभी आता हूँ इसके ऊपर, अभी इज टू सून, आई विल टेल यू व्हाट आई, ब्लैक होल इज द स्टार दैट इज कंडेंस्ड राइट इन टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ठीक है। उससे होता क्या है, सिंपल वो मेघ है, कील लगी हुई है ओके, कि जिससे पूरी की पूरी स्पेस ग्रेविटी के पूरे फोर्स को मेंटेन कर लेती है, ठीक है। फिर हर चीज लेकिन अल्लाह ताला ने उसको उसकी तरफ ग्रेविटी का पुल करवा दी। सो द क्लोजेस्ट स्टार स्टार टू गो टूवर्ड्स द ब्लैक होल, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का ब्लैक होल तो हमें पता है कहाँ है, और बिल्कुल हमारा ठीक है, सन इज साउथ 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 ईस्ट ऑफ द, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पिक्चर दैट यू गेट, इट इज ऑन द सदर्न टिप ऑफ द गैलेक्सी दैट वी हैव, ठीक है, और उसके सेंटर की तरफ मूव कर रहा है सन सही, ठीक है। अब वो ब्लैक होल जो है वो डार्क एंड मर्की, डार्क एंड मडी है, जो कि सब पूरे साइंस को पता है कि इट इज ब्लैक एंड इट इज फिल्ड विद डार्क मैटर, वो ओके भी डार्क मैटर ही कहते हैं उसको। जी। और जब अल्लाह ताला ने ये कहा ना कि आइनुन हमिया, आइनिन हमिया के पास है, तो आइनुन हमिया की हमने क्या तर्जुमा किया मैं हुआ इधर, जस्ट अ मोमेंट, ओके, ये वर्स 85 मेरे एटी ख्याल सिक्स आप, है, हाँ 86 85 है में भी होगी, फिर 86 में भी है, 86 ही खुल रहा है। ओके। फातबा सबबा हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शमसी वजदा तगरूफी फी आइनिन हमियतिन व वजदा इंदहा कौमन कुलना या ज़ल्क़रनैनी इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तख़िज़ा फ़ीहिम हुस्ना अनटिल व्हेन ही रीच द सेटिंग ऑफ द सन ही फाउंड इट एज इफ सेटिंग इन स्प्रिंग ऑफ डार्क मर्ड एंड ही फाउंड नियर इट अ पीपल। अल्लाह सेड, ओ ज़ुल्क़रनैन, ईदर यू पनिश देम और एल्स अडॉप्ट देम अ वे ऑफ गुडनेस। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला ने उनको ये तो जुल्करनैन को ऑप्शन दी कि याजूज आप, माजूज नहीं है लेकिन ये हाँ, अभी वहां कहाँ याजूज माजूज आए, जी अभी तो जुल्करनैन ने पहले वैसे ही इस्तबा कहीं फर्स्ट फर्स्ट उसने ट्रैवल, जर्नी के ऊपर फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट सबाबा के ऊपर
अपने उसकी फॉलोइंग कर रहा है. ठीक है. ही वेंट टू द सेटिंग ऑफ द सन. ओके ओके. सेटिंग ऑफ द सन का मतलब है कि वो वाला पॉइंट जो सूरज यासीन में का, इस सूरज का, हमारे सूरज का एक सेटिंग पॉइंट है, वहां पे पहुंचा. वहां पे उसने देखा कि वाकई देयर इज अ ब्लैक होल देयर. अच्छा. अंडरस्टैंड मी. ऑफ कोर्स ही डिडंट गो इनसाइड द ब्लैक होल, और इवन इफ ही डिड ही डिडंट से दैट इन द आया. व्हाट ही सेज इज क्लोज टू दैट देयर इज अ प्लैनेट जहां पे लोगों ने कहा कि जो भी अभी वाकया शुरू होने लगा है उसके साथ. बट अगर ये थ्योरी मान ली जाए कि एक प्लैनेट है उस ब्लैक होल, एक प्लैनेट नहीं काफी प्लैनेट्स, काफी हैं, बट दे आर हिडन राइट फ्रॉम कॉमन पर्सन. वो बैरियर तो भी नासा के अल्लाह ताला ने बताया अभी बैरियर कहाँ है. क्योंकि नासा तो ऐसा कुछ नहीं, एलियन लाइफ तो कब से रिसर्च कर रही है. नासा कैन नॉट सी थ्रू द सन एनीवे, यू नो दैट राइट. या या. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट नासा कैन नॉट सी, बट दे आर लुकिंग इनटू सो मेनी थिंग्स व्हिच यू हैव नो आईडिया. एंड आई एम गोइंग थ्रू देम रिसर्च डेली, सो आई नो दैट दे आर गोना स्ट्राइक इनटू सो मेनी पॉसिबिलिटीज. अभी उन्होंने बताया कि 300 नए सयारे प्लैनेट्स हमें पता चल गए कैसे, शैडो ऑफ द स्टार्स के ऊपर, जब सितारे किसी और गैलेक्सी में. नहीं नहीं, हमारी गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी. जी जी, हमारी. दैट समथिंग आई विल चेक अप. बट 300 प्लैनेट्स इनसाइड आवर ओन गैलेक्सी के ऊपर भी, जो इन्होंने अभी किया है कि एलियन लाइफ फॉर्म के ऊपर. ठीक है. हाउ डू दे चेक दैट? सितारे की रोशनी को ना वो देखते हैं कि फ्लिकर कहाँ कर रही है. वो फ्लिकर का मतलब अगर से कुछ चीज गुजरी है. बिल्कुल ठीक है. तो उन्होंने जुपिटर के 1% फ्लिकर होता है. अगर जुपिटर का साइज का कोई प्लैनेट गुजरे ना, तो देख सकते जुपिटर से बड़ा क्या प्लैनेट होना. जी. तो वो देखा 1% फ्लिकर जो है ना वो नहीं था, वो 15% फ्लिकर आ रहे थे. ओके. वो भी क्लस्टर्स में. ठीक है. तो एस्ट्रॉइड तो हो नहीं सकते. ठीक है. सो दे सेड इट्स नॉट एस्ट्रॉइड, इट्स समथिंग एल्स. और जो लास्ट कंक्लूजन उन्होंने किया कि दो प्लैनेट्स के ऊपर दो मखलूकात के आपस में लड़ाई हुई है. ये दैट्स द फन थ्योरी दैट दे आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग, कि इसके अलावा एक्सप्लेन नहीं होता 15% ऑफ द शैडो ऑन द स्टार्स लाइट. तो क्योंकि जुपिटर से जितना भी बड़ा मर्जी प्लैनेट कर ले, ठीक है, वो तीन तीन दो दो सौ के क्लस्टर्स में आगे से गुजर रहा. ठीक है. इट इज इररिलेवेंट, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा अभी. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दे आर राइट ऑन टॉप ऑफ दैट. ठीक है. यानी पॉसिबिलिटी है कि ये जो ब्लैक मडी वाटर का बताया गया है, ये ब्लैक होल आपके मुताबिक जी, है? मेरे मुताबिक तो ये, और वहां पे किसी प्लैनेट में वो एक कॉम के पास गए. यस. ओके. और मैं बताता हूँ उसका सबूत भी क्या है कि वो प्लैनेट कैसे है. ठीक है. ठीक है. उन्होंने क्या कहा आगे से? जी, जस्ट अ मोमेंट. वर्स नंबर 87 निकालेंगे हम. ओके. वो तो उसी कौम के ऊपर बात बता. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا. ही सेड एज फॉर द वन हु रॉन्ग्स वी विल पनिश हिम, देन ही विल बी रिटर्न टू हिज लॉर्ड एंड ही विल पनिश हिम विद अ टेरिबल पनिशमेंट. बट एज फॉर द वन हु बिलीव्स एंड डज राइटियसनेस, ही विल हैव अ रिवॉर्ड ऑफ पैराडाइज एंड वी विल स्पीक टू हिम फ्रॉम आवर कमांड विद ईज. Summa atba sababa, then he followed another way. अब यहाँ पे ना कुछ भी नहीं बताया अल्लाह ताला ने. ठीक है. सिवा इसके कि हमने ज़ुल्करनैन को एक टेस्ट दिया. ठीक है. कि दो ऑप्शंस दे रहे हैं तुम्हारे सामने. बिल्कुल. या तो इनको तबाह कर दो, या फिर व्हाटएवर यू वांट टू डू विद देम इन इन सॉर्ट ऑफ इसका भला करो. तो ही सेड कि जो उनमें से बिलीवर्स हैं, यस, उनके साथ कोई मसला नहीं करूंगा मैं. ठीक है. वरना नाउज बिल्ला, ये अल्लाह ताला उनसे पूछ थोड़ी रहे हैं. जी हाँ. अल्लाह ताला किसी से कुछ नहीं पूछते होते. ठीक. अल्लाह ताला से बताते हैं. अल्लाह ताला इज द लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स. सो ही सेड आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस, व्हाट आर यू गोना डू? ही सेड आई एम गोइंग टू डू व्हाटएवर यू विल. ट्रांसग्रेसर्स को पनिशमेंट मिलेगी अगर उन्होंने ट्रांसग्रेस किया तो. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड टू देम, वी डोंट नो. वी डोंट नो. या. देन ही वेंट, व्हाटएवर ही डिड, ऑफ कोर्स ही डिड व्हाटएवर वाज द इन कंप्लायंस विद द रूल ऑफ अल्लाह. And then he goes to followed another way. Hatta iza balaga matli ashamsi wajadaha tatlu'u ala qawm. Until when he came to the rising of the sun. Yeah. He found it rising on a people. Yeah. For whom we had not made against it any shield. जी, अब इसका कुर्रा आरस के ऊपर किसी भी किस्म का निकालना. पहले तो मैं वापस आता हूँ शेख इमरान साहब के ऊपर. ठीक है. जिनके ऊपर सबसे डिटेल जिन्होंने बात की, कि उन्होंने ब्लैक सी के ऊपर कहा, क्योंकि उसको ब्लैक इसलिए कहते हैं, वो ब्लैक है. उसको मर्की सी नहीं कहते जी, वो ब्लैक सी है. वो ब्लैक सी में कोई मड नहीं है. ठीक है. वो इसलिए मड मटी दो. बिल्कुल ठीक. दूसरी बात, सन डज नॉट सेट इन द ब्लैक सी. आई डोंट नो व्हाट एंगल आर वी लुकिंग एट, बट सन नेवर सेट्स इन द ब्लैक सी. सन सेट्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सन डज नॉट सेट एनीवेयर इन द ब्लैक. यस यस. सो लेट्स अस्यूम कि वो ब्लैक सी में सेट करता था. तो क्या ज़ुल्करनैन की बाउंड्री ब्लैक सी पे थी? क्या वो आगे नहीं जाता था कि हाँ मैं आगे? ये बाय द वे एक क्रिश्चियन ने इतराज उठाया था
कुरान पे नऊज़ बिल्ला, कि आपके खुदा को ये भी नहीं पता कि सूरज तो सेट ही नहीं करता दुनिया में, हमें पता है सूरज यासीन में तो अल्लाह ने बताया कहाँ सेट करता है, जी वो शेख इमरान को नहीं पता, अल्लाह को अच्छा पता है। ठीक अच्छा है, सो द पॉइंट इज ये आप ईस्ट की तरफ आए, ईस्ट कह रहा हूँ नाउज बिल्ला, शेख इमरान साहब ने उसको ईस्ट की तरफ ले आया कि राइजिंग ऑफ द सन, ठीक है। सन डज नॉट राइज इन प्लैनेट अर्थ नोर डज इट राइज इन एनी अदर प्लैनेट। ओके राइजिंग ऑफ द सन की जो ट्रांसलेशन है ना, दैट्स द ओरिजिनेशन ऑफ द वेयर द सन इज टेकिंग बर्थ, ये है उसका मतलब कि जब वो वापस जहां पे डेथ वाली जगह पे आया, दिस इज द ब्लैक होल, नाउ ही गोज टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक और शेख, सेंस। ये तो इवेंट होराइजन है ना फिर, कि देखें सिंगुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं ये, मतलब क्योंकि सिंगुलैरिटी है देखिए ना, मैं आपको ना अपने मैं इस तरफ जान के नहीं जाऊंगा, सिंगुलैरिटी टू ब्लैक होल। नो नो, व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट द ब्लैक होल नाउ, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द सन गोइंग इनटू द ब्लैक होल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सन हैज नॉट गॉन टू द ब्लैक होल, ही ओके वाज नॉट इन फ्यूचर, ठीक, ही डिड नॉट गो इनटू द फ्यूचर, यू आर, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, इफ ही यस हैड गॉन यस इनटू द फ्यूचर तो या ही वुड हैव सीन के क्या है, मगर इफ ही हैड गॉन टू द फ्यूचर देन ही वुड हैव बीन डीलिंग विद जाजूज माजूज ऑन द प्लैनेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड इवन इफ ही डिड गो टू द फ्यूचर इट इज इररिलेवेंट राइट नाउ, राइट, इट इज नॉट ऑन द प्लैनेट अर्थ व्हाट इट डिड, अल्लाह ने तो बताया भी उस कौम के साथ क्या किया, बिल्कुल ठीक है। नाउ ही इज कमिंग टू, क्या आप इसका मतलब तो ये हुआ कि वापस ही इज कमिंग टू द पास्ट राइजिंग ऑफ द सन, जब सूरज पहले दफा पैदा होता, नो ठीक नो, है ही ठीक इज है कमिंग टू द प्लेस वेयर द सन टुक बर्थ ठीक एंड दैट इज समथिंग विच हैज अनदर प्लेस। अब मैं बताता हूँ जमीन पे क्यों नहीं है, खुद बताया उस कौम ने, उस कौम ने कहा हमारे प्लैनेट पे एटमोसफेयर नहीं है, प्लीज कुछ करें अच्छा हमारा, देखे ना क्या कहा उस कौम ने, ओके देन ही फॉलोड अवे अंटिल ही केम, व्हेन ही केम टू द राइजिंग ऑफ द सन ही फाउंड इट राइजिंग पीपल फॉर हुम वी हैड नॉट मेड अगेंस्ट इट एनी शील्ड। सन से कोई शील्ड नहीं रखी थी जी जमीन ओके में ऐसा कौन सा इलाका है कि जिसमें लोग ऐसे कहें कि हमारे पास सन के खिलाफ शील्ड नहीं, बादशाह सलामत मादी को मदद करें, मतलब छतें नहीं है हमारे घरों की, क्या मतलब इसका क्या, या हमारे पे बादल नहीं आते, व्हाट इज द शील्ड दैट इज नॉट अवेलेबल ऑन द प्लैनेट अर्थ ठीक ठीक और एनी पार्ट ऑफ द प्लैनेट। ओके ओके कज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदैही खुबरा दस हैंड वी हैड एंड कंपास्ड ऑल दैट ही हैड इन नॉलेज सुम्मा अतबा सबबा देन ही फॉलोड अनदर वे। Yeah, then we do not know whatever happened. ओके Okay, so we're not going to put two and two के वहाँ पे क्या ये किया अगली उसने। हत्ता इज़ा बलागा बैन सद्दैनी जी हाँ। वजदा मिन दूनिहिमा अच्छा आप ना यहाँ पे ना दो मसले हैं, एक तो मैंने जो जो व्हाटएवर आई एम गोइंग थ्रू उसमें तो उन्होंने कहा कि हजाज बिन यूसुफ ने एक काम किया है जिसकी वजह से एक मसला आया है सूरह काफ में। अच्छा जी अब हजाज बिन यूसुफ ने क्या किया था, उसने आराब लगाए थे। आराब लगाए थे। अब मेरा मौकफ ये है कि हजाज बिन यूसुफ अगर आराब बतलाएगा तो फिर कुरान पाक की जो हिफाजत है ना उसके ऊपर भी मसला आएगा, ठीक है तो फिर उसकी तरफ नहीं जा रहा मैं, ओके हालांकि सुद्दैन और सद्दैन दो अलग अलग मतलब रखते हैं। ओके सुद्दैन इज द इनविजिबल मतलब फॉग मिस्ट क्लाउड, इनविजिबल है, बैरियर इज ओके इन इनविजिबल, सद्दैन इज द विजिबल बैरियर। Now, it is irrelevant for me. What I'm trying to tell you is कि make sure इतनी छोटी सी टेक्निकलिटी से भी कहां से कहां पहुंच जाती है बात और हम ये तवफी का के ऊपर बैठ गए आके। सो सद्दैन ही है यहाँ पे, आई विल गो विद द करंट अराब ऑफ द कुरान, विच ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी वन इन टू डाउट कि क्या पता कुरान पाक में तब्दीली, हालांकि ये तब्दीली नहीं होती, हर डायलैक्ट का अपना तरीका होता है सही सही पढ़ने का। सो सद्दैन जो है ना इस पे आप आए इसकी ट्रांसलेशन के ऊपर। अनटिल व्हेन ही रीच्ड अ पास बिटवीन टू माउंटेन्स ही फाउंड बिसाइड देम, बिसाइड अच्छा देम मीनिंग के उनके लेकिन अब साथ ये माउंटेन्स का जो लफ्ज है ना, इस जी बिसाइड पे तो जो आई मत, ये माउंटेन खुद ही बना लिए इन्होंने, माउंटेन की बैन कभी अल्लाह ताला ने सद्दैन। कभी भी नहीं की कैसे दैन के माउंटेन का हो कहीं शेख किसने, यासिर गाजी को मैं सुन रहा था वो माउंटेन कह रहे थे वो खाली यासिर कादरी बेचारे ने तो तर्जुमा पढ़ना ना, वो डीप जी थिंकर थोड़ी हैं वो लोग, उनके तो और भी बड़े मसाइल हैं। ठीक है, अच्छा आपने आज सही सारे मसाइल वाले उलमा किराम मेरे सामने खड़े कर दिए। ठीक है, यासिर काजी हो या गमती साहब हो, नहीं यासिर काजी तो चले वो, मतलब कुछ तो उम्मत को फायदा तो बहुत दे रहे वो हैं तो गमती यासिर साहब पे थे, नाउज बिल्ला किसी की नीयत पे शक नहीं बिल्कुल करते ना बिल्कुल ही सही यासिर पे, ऐसे बिल्कुल ऐसे सही लोगों को गमती साहब ने भी अंधे कुओं में से बाहर निकाला होगा कि जो सही के जी जी जॉर्ज बुश जी को अल्लाह मियां मान चुके थे। सही ठीक है, सही मानना तो पड़ेगा ठीक आपको, है ठीक लेफ्टिज्म हैज मोर, बहरहाल सो यासिर कादरी साहब के खिलाफ जी मैं कोई बात नहीं कर रहा, सही इस
तफसीर जो कि इस देखें एक लफ्ज ही गलत मिलेगा मुझे कि आप आलू को इस्तेमाल करें ठीक, तो आपने आलू की भुजिया ही बनानी है ना, सही। जब मैं आपको दूंगा ही आलू तो फिर आपने भुजिया ही बनानी है, जब उस बेचारे को मिलेगा ही क्या उसे कहते हैं सद्दैन का मतलब पहाड़, सही। उसने तो चैलेंज ही नहीं किया इस बात की। ठीक, देखिए कुरान पाक का कोई भी स्कॉलर हो ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आप डॉक्टर इसार साहब की ना बहुत बहुत तकरीम करता हूँ, बिकॉज जो एफर्ट उन्होंने की थी ना बड़े कम लोगों ने पाकिस्तान में की, मगर जब वो हजरत मरियम के सूरह मरियम के तफसीर में गई ना, तो उन्होंने कहा कि दो तरह की नबी हैं, जब अल्लाह ताला का नबी उनसे सिद्दीका के दो तरह, एक सिद्दीक नबी हैं और एक वो हैं जो कि रसूल बनाए, सूरह मरियम की बड़ी खूबसूरत बात है नबियों की दो बाइफरकेशन दी हुई, हैरत की बात है सिद्दीक नबी वो तमाम हैं गौर करें तो जिनको अल्लाह ताला ने असेंशन दी थी, अगर हम गौर से ना उन लिस्ट निकाले ना कि अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऐसी इंटरगैलेक्टिकल विजिबिलिटी उनको दी थी जिनको अल्लाह ताला ने सिद्दीक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जो बंदे जबरदस्ती उन्होंने कहा कि चक्राए मुझे तो चाहिए, ऊपर हजरत इब्राहिम के साथ और भी बड़े वाकात फरिश्ते आके इंटरवेंशन करते हैं इब्राहिम के केस में, सही सही। हजरत इदरीस नाम लेके बताया कि ये तो वो है, फिर मूसा सिद्दीक वो नबी हैं जो कि एक्सट्रोवर्टेड नेचर के होते हैं साइकोलॉजिकली और सॉरी इंट्रोवर्टेड होते हैं, और रुसुल वो हैं जो कि एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। अच्छा, एंड आई एम थिंकिंग एट दैट टाइम ऑफ हाउ शैलो कैन एनीवन बी टू पुट ए बिहेवियरल साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इनटू ए लिटरल लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अल्लाह सुबहाना ताला के सिद्दीक और रसूल के अंदर मेरी साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट कहाँ से आएगी? ठीक है, मैं बिहेवियर में ज्यादा बातूनी हूँ या कम बातूनी हूँ? ठीक है, ठीक है, समझे। However, people take this angle because जहां से उन्होंने पहली तरबियत ली होती है ना वहां से ही वो अपनी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं। So that's why I'm talking about यासिर काजी साहब कि उन्होंने अगर माउंटेन का मतलब ही ले लिया तो अब बेचारे को चाहिए था कि भैया वो तो उन्होंने नहीं बॉस ने लिया है जी, काफी माउंटेन्स ही है इसका जो है ना मेजोरिटी जितने भी स्पीकर्स हैं तो माउंटेन्स। So सुदैन का जो लफ्ज है ना इट्स अ वेरी क्लियर यूज जो कि अल्लाह ताला ने किया, मैं आपको बता देता हूँ। सो यासीन आयत नंबर 9 देखिए, आयत नंबर 9 वो तो देखी थी शायद हमने, वो देखी ना उसमें क्या है। ओके, सूरह यासीन वर्स 9, उसमें तो आई थिंक सद्दैन का नहीं है। देखे ना अल्लाह ताला ने कैसे कहाँ पे क्या चाबियां रखी हैं, मैं अगर अल्लाह करे वो वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दन। ओके ओके, वो मिन खल्फ यहां पे पहाड़ी अल्लाह ने डाली थी कयामत वाले दिन। And we put before them a barrier and behind them a barrier. So and covered them so they do not see. So I do not understand ye why is a scholar of Quran not understanding ke Quran Pak khud explain karta hai apne aap ko. हाँ जी, तफसीर बिल कुरान, कुरान से तफसीर। नहीं नहीं, तफसीर की भी जरूरत नहीं ना, सूरह इसका मतलब भी तो देखें, सूरह यासीन में ये सद्दा का लफ्ज कहाँ पे फिट किया अल्लाह ने, बैरियर उनके आगे और पीछे, और आगे सल्तन ने अग्याश ये लफ्ज क्या बोला, फख्शैनाहुम कि मैंने फिर उन दोनों को कवर भी किया है ताकि इनको नजर भी ना आए, फहुम ला युबसिरून ताकि देख ना सके जी। ओके, तो ऐसा क्या है जो कि हमें नहीं समझ आ रहा कि सूरह काफ के अंदर अल्लाह ताला जब लफ्ज यूज करते हैं हम अचानक उसको पहाड़ बना लेते हैं, ठीक है ठीक है, और जब सूरह यासीन में होती है तो हम उसको एक तलिस्माती सी बैरियर क्रिएट करते हैं और फिर उसको कहीं से ऐसा कवर भी देते हैं कि हम उन्हें नजर भी ना आए। दिस इज समथिंग विच इज अ गेम दैट पीपल आर प्लेइंग विद अस, आई एम टेलिंग यू देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन अदरवाइज, व्हेन आई सी आई एम थिंकिंग हाउ कैन यू यूज अ वर्ड विच इज नॉट इवन फिटिंग दैट डिस्क्रिप्शन। ऊपर से जब एक बंदा मुंह से ज़ुल्करनैन से कह रहा है कि सूरज से हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, इसका किस तरीके से कोई मतलब और लिया गया? इसके दो मतलब बता देता हूँ मैं आपको, एक मतलब यह है कि हमारा एटमोसफेयर नहीं, दूसरा मतलब यह है कि हमारा जो प्लैनेट है ना वो एक्सिस पे रिवॉल्व नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर, कुड बी, एक एटमॉस्फेयर वाली बात तो जबरदस्त है, वो तो क्लियर है, तो सन से प्रोटेक्शन यानी कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, ओजोन है जो कि जो रेडिएशन कॉस्मिक रेज और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह उससे, कुड बी एनी अदर लेयर एज वेल बट ओजोन इज द प्राइम प्रोटेक्टर। या ठीक है, बाकी की जो रेज है और जो लेयर्स है ना उनके और भी बड़े फायदे हैं, मगर सूरज के हमारे जो प्रोटेक्शन है ना वो ओजोन करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब वो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म से इतना गहरा ताल्लुक है कि सारा का सारा काम ही उसके थ्रू करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर और भी बड़ी लेयर्स हैं, मैं इस वक्त आपको ये बता रहा हूँ कि
समझ लें फॉर सम वन सम रीजन कि नहीं ये मतलब नहीं था, तो दूसरा मतलब बड़ा क्लियर है कि हमारा जो सियारा ना वो अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करता, हम सूरज से इतने एक्सपोज हैं कि हमें कुछ कर हमारे लिए ठीक है, तो या हमारा सियारा घुमा दे। ओके ओके, ही हैड अ वे राइट अकॉर्डिंग टू एवरीबॉडी, ठीक है, तो देन ही हैड अ वे ऑफ डूइंग दैट एज वेल। अब तो साइंस भी सियारा घुमाने की 12 डिग्री चेंज कर चुकी है अपने एक्सिस को, ठीक है ठीक, क्या बताओ जुल्कर्नैन ने भी करते हो। So the point is so clear when you look at it from a simplicity rather than complication of people. ठीक है ठीक, कि नहीं यहाँ पे पहाड़ ही डालना मैंने कि सद्दाइन का, तो चलें ये इसको फिर सद्दाइन की आपके आप बैरियर ठीक, which is until when he reached between the two barriers, the setting of the sun or Rising of the sun से अब निकल चुका है वो, निकल चुके ना, अब उसने बीच में से गुजरा है दो रास्तों के, ठीक है, कि जहाँ पे दोनों बैरियर्स हैं, बैरियर्स हैं, ओके, he found beside them, मीन दूनीहिमा, दूनीहिमा means it's not beside them, it's beyond them, beyond them, yeah, बैरियर के beyond जाना जरूरी है ना यहाँ पे, and he found beyond them, now he's entering that portal, a people who could hardly understand his speech. Now this is the biggest king on the planet. They cannot understand his speech. However, ye baat itni zaruri hai aapko samajhna ki Allah Taala ne ye teesri qaum ke bare mein baat ki hai. Iska matlab hai baaki ki dono qaume could understand his speech. Yes, bahut yes. crisp concept samjhega idhar. Ye wali baat Allah Taala ko piche dono qaumon ke bare mein nahi ki unhone. Sahi. Aur fluent guftugu hui hai dono se. Theek hai. Aur is case mein bhi Zulkarnain could understand his speech. They couldn't understand his speech. That means it is a far off galaxy now. Now they are not going to understand him. But what he does is, aage padhiye wo kya karta hai. They said, O Zulkarnain, indeed Yajuj and Majuj are great corruptors in the land. Yeah. So maybe a sign for you an expenditure that you might make between us and them a barrier. Yahan sadda ki barrier. Wohi wali barrier jo pehle. Wohi wali barrier. Mountain nahi hai. नहीं माउंटेन कहाँ से आ गए थे, वही कह रहा हूँ ना यहाँ पे तो फिर बैरियर ही है यहाँ पे, तो पास माउंटेन हमने बनाया ना, खुद ही पहाड़ बनाते हैं। ठीक है, तो ये लोग जुल्करनैन से फिर बात कैसे कर रहे थे, अगर अभी पिछली आयत में हमने पढ़ा ना कि हु कुड हार्डली अंडरस्टैंड हिज स्पीच, जुल्करनैन की स्पीच उन्हें समझ नहीं आ रही थी, तो फिर वो जुल्करनैन से बोले तो जुल्करनैन को उनकी समझ आ रही थी। यस, और उन्होंने कहा कि याजूज माजूज ग्रेट क्रप्टर्स हैं, तो हम कुछ एक्सपेंडिचर आपको देते हैं, आप बैरियर बनाएं। तो काफी बातचीत शुरू हो गई है, द वे दे आर कम्युनिकेटिंग, पैसे ले लो यार कुछ कर दो हमारे लिए। हाँ, इसी तरह कह रहे हो, बिल्कुल कह रहे हैं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास जो पौला मा मक्कनी फी ही रब्बी खैर फाइनूनी बिकुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। He said that in which my Lord has established is better than what you offer, but assist me with strength, I will make between you and them a dam. रदमा डैम, शेख डैम से क्या मुराद है? ये मेरी मुराद नहीं है, इनकी मुराद है, मुझे नहीं पता कि ये डैम इन्होंने क्यों बनाया। द पॉइंट इज ठीक है, इट्स एक रदमा का जो अभी क्योंकि इट्स नॉट अ बिग फैक्टर, सो आई एम गोना लेट इट गो कि चलें डैम भी बनाया, इवन डैम क्या है, बंद कर दे, दीवार बंद कर, ठीक है। अब द रियल कोशिश, आयत का नंबर क्या है? This is verse 95, yes. अब यहाँ पे वो बैरियर बनाने की वजह रदमा बना रहा है। ठीक है, ठीक है। So you have to understand there's so much which it does not connect if you look at it from the conventional angle. और इमाम नबी ऐसे नहीं कह गए कि गौर करना, यहाँ पे बड़े तरीके से अल्फाज का चुनाव कर गए। ठीक है। So अब आगे भी चलेंगे तो आपको समझ आएगी, यहाँ पे उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास ना ये जादूज माजूज आगे ना करप्ट कर रहे हैं हमारे इलाके को, ठीक है, तो हमारे लिए इस बैरियर के अंदर कोई रुकावट पैदा करें, ठीक है। एंड ही सेड समथिंग, जिस बैरियर के थ्रू वो आते हैं, जी जी, ये तो कॉमन सेंस है क्योंकि वो आया ही दो बैरियर के बीच में है और उसने देखा है कि वो इलाका है, वो साफ समझ आ रही है कि दो बैरियर के बीच में एक ऐसा इलाका है जहां से बैरियर से एंट्री एंड एग्जिट हो रहा है, ठीक है, वो बैरियर जो हैं उनमें से कौम आ जाती है, बार बार आती है, इनको तंग करती है, कत्ल करती है, ठीक है, व्हाटएवर करप्शन, बिल्कुल ठीक है, एंड देन दे से कि हमें कुछ करो हमारे लिए, और वो बैरियर बंद करना जरूरी है, ठीक। नाउ दैट बैरियर इज अ वर्म होल, अ पोर्टल, और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बट दैट इज द डोर वे टुवर्ड्स और थ्रू एंड थ्रू, जहां से
आपकी एसेंशन और पैरेलल जर्नीज होती हैं, जिसमें 12 अंबिया को हमें मिली। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ महराज का जानना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि और सूरह मरियम सूरह काहफ के फौरन बाद कि जब अल्लाह ताला ने कहा है ना कि इसको हमने ऊपर ऊपर ले आए हैं, ठीक है, हज़रत इदरीस को, ठीक है, ये उसी रास्तों से ऊपर लाए गए हैं, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी इसी रास्ते से, इन्हीं रास्तों में से एक रास्ते से अल्लाह ताला ने, फिर उनको तो खैर किया ही एक्सेस मिला सुभान अल्लाह, मगर हज़रत ईसा भी देखें, हज़रत ईसा सातवें आसमान पर नहीं मिले आप, ठीक है, कहाँ मिले, छठ नहीं नीचे थे जी, और इदरीस चौथे पे, ठीक। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टेल यू इज कि दीज आर द टू पीपल हु आर कंसीडर्ड अलाइव, दैट्स व्हाई आई एम नेमिंग दीज टू, ठीक है। तो ईसा हमें तो पता है जिंदा है, ठीक है, तो हमारी साइकोलॉजी में क्या होता है, ईसा कहाँ है इस वक्त? साइकोलॉजिकली मैं आपसे सिंपल साइकोलॉजी का सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज द पिक्चर यू गेट व्हेन यू थिंक ऑफ ईसा? आसमानों पे, क्या आसमान में, क्या लटके में? आसमान बहुत बड़ी जगह है, आपकी साइकोलॉजिकली हर इंसान की साइकोलॉजी में ना ईसा को हवा में लटकाया हुआ है, ठीक है, हालांकि उस आसमान का मतलब है कि उस गैलेक्सी में किसी एक प्लैनेट के ऊपर ईसा रह रहे हैं। तो प्रॉफिट सल्लम ने जो मिले थे हजरत ईसा से जाकर, तो उसी इस आसमान के इलाके में गए थे ना। अच्छा, हम इस आसमान के इलाके में रह रहे हैं ना, यहाँ पे सेशन कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। सो इसी तरीके से हजरत ईसा से मिले, ठीक है, हवा में थोड़ी मिले वो, ठीक, समझ लें, हवा में कोई मेराज नहीं हुई भी, मेराज के हर स्टेज के ऊपर कहीं ना कहीं पे स्टेशन किया गया, एंड देन ही गोज अप। शेख, फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये ठीक है, ये बड़ी फैसिनेटिंग इन्फॉर्मेशन है, हमें पता लग गया, पोर्टल्स का पता लग गया, वो कौम ज़ुल्करनैन याजूज अकॉर्डिंग टू यू वो एक और डायमेंशन में है, वहाँ से आएंगे, ओके, तो हाउ इट कैन हेल्प अस, डायमेंशन इज अ वर्ड फॉर फिजिक्स ना, डायमेंशन तो यहाँ पे भी जिन नबी भी किसी डायमेंशन में इधर मौजूद है, दुनिया में भी डायमेंशन है, विद इन द वर्ल्ड देयर आर डायमेंशन, लेट्स जस्ट कॉल इट व्हाट इट इज, देयर इन अनदर प्लेनेट, इन अनदर प्लेनेट, ओके, तो हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प अस दिस इंफॉर्मेशन? आई विल टेल यू हाउ इट गोना हेल्प अस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट दिस। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जी, कि सूरह काफ की तिलावत करने का हुक्म है कहीं पे दज्जाल के केस में? दज्जाल के केस में तिलावत का नहीं है, लेकिन किसका हुक्म है सूरह काफ के बारे में, क्या हुक्म है? फर्स्ट 10 वर्सेस, लास्ट 10 वर्सेस मेमोराइज करना है। जी, तो उससे क्या होगा? फितने से बच जाएगा, जो वही तो तिलावत का हुक्म निकलता ना साइकोलॉजिकली, तो जी तो मेमोराइज करने का है, तो तिलावत कर सके ना जी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि तिलावत नहीं, तलावत तभी काम आएगी जब हम ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे हुक्म है साथ साथ, एक हदीस वो है दस वो उसकी, बाकी की हदीसें कनेक्ट करने के बाद पता चलेगा कि भैया यहाँ से होंगी। नाउ कैन आई सेफली से कि सूरह काफ की तलावत से पोर्टल खुलती है? कुड भी, बट वो जगह पे पहुंचेंगे तो खुलेगी ना, हर जगह पे तो नहीं खुलेगी, और अगर खुलती है तो अल्लाह खुले, मगर साथ ही मैं आपको हदीसों की लिस्ट अब बताता हूँ। दज्जाल के दौर में अल्लाह ताला मोमिनीन को डायरेक्ट ख्वाबों के थ्रू गाइडेंस देंगे, ठीक है, और ख्वाबों को गाइडेंस कैसे मिलेगी हमें? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का खुद तशरीफ आवरी होना ख्वाब में, खैर हम खुद जाते हैं, अल्लाह के नबी तो नहीं आते, ये तो जसारत होती, तो जब किसी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखा तब ख्वाब को गाइडेंस होगा, वरना मैंने आपको बता दिया मुझे ये ख्वाब आया, तो हज़ार और वसवसे होते हैं कि यार ख्वाब पता नहीं सही है कि नहीं, जैसे हुज़ैफा का जो ख्वाब आया था वो इराक के शाह को, तीन दफा ख्वाब आए तो नहीं माना था, हालांकि वो ठीक था अपने केस में, कि मैं कैसे मान लूं यार अल्लाह के नबी थोड़ी आए, एक बंदा कह रहा मैं हुज़ैफ़ा हूं तो क्या पता शैतान हो। सो दूसरा ख्वाब है काबे का नजर आना, ठीक है, ये मैं आपको किसी वजह से बता रहा हूँ कि अगर हमें ख्वाबों के थ्रू उस वक्त गाइडेंस आनी है जी, ठीक है, देखिए उस वक्त का माहौल क्या हो रहा बन रहा है उस वक्त, तो काबे का तो मतलब ये है कि डायरेक्शन बता जाएगी कहाँ पे जाना है, ठीक है, और वल्लाह आलम और भी बड़े तरीके होते हैं, मगर काबे का तो मतलब होता है कि दिस इज समथिंग वेयर यू शुड गो, या फिर अल्लाह के नबी सल्लम डायरेक्टली आके किसी को बता दें कि यहाँ जाना या ये कर लो, तो अल्लाह के नबी सल्लम तो डायरेक्टली बता दिया जो बताना था, ठीक, कि भैया सूरह काफ जी पहाड़ जी, फिर एक और रिवायत बताता हूँ आपको कि दज्जाल के दौर में सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, इससे लोग पलेंगे। अच्छा, पलेंगे इसका रेफरेंस इस हदीस का, वो मैं आपको रेफरेंस के लिए अगले सेशन तक रख लीजिएगा, ये तो मैंने बहरहाल
इट इज ऑफ रिस्क के, यानी के रिस्क का डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना अल्लाह ताला पे सुभान अल्लाह होता अभी हम दी है। अभी हमें ये बात समझ नहीं आ सकती अभी कि सुभान अल्लाह अभी हम दी सुभान अल्लाह अजीम से कोई इंसान पल कह सकता है, तो मुझे तो समझ आ सकती है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पूरी की पूरी यूनिवर्स को एज ए मल्टी डिमेंशनल मल्टी फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म नहीं ना समझेंगे, तब तक आपको कुरान पाक की भी और कुरान पाक के थ्रू इन तमाम तर, जैसे हजरत ईसा को उनके हवारियों ने कहा ना कि सूरह माईदा में कि तू टेबल की नहीं उतारता खाने वाला हमारे लिए, ठीक है तो टेबल उतारा ना अल्लाह ने फिर। सही, एक क्वेश्चन है शेख, कन्फ्यूजन को जी कह रहे हैं जी कि कन्फ्यूजन हुई है, जब आपने कहा कि सात मोहम्मद और सात आदम हैं तो इसका मतलब सातों मोहम्मद को मिराज हुई और इस तरह हज़रत ईसा भी साथ होंगे तो वो जिस आसमान में है क्या वो वहाँ दो हज़रत ईसा होंगे, मतलब कह रहा है सॉरी मैं बहुत प्यारा सवाल है। मैंने आपको जब ये बात बताई थी ना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की, तो मैंने साथ ही ये बात की थी कि मैं इस बारे में जान के अभी तफसील में नहीं जा रहा, क्योंकि फिर ऐसे ऐसी किताब खोलनी पड़ेगी फ़लसफे की और साइंस की, कि वरना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी कहा ना कि तुम्हें अभी बताऊँगा तो काफिर हो जाओगे, तो इसका मतलब है एक प्री टेक्स्ट है इसके पीछे। शेख ये हदीस की भी पहले सेहत जी 100% सेहत के बाद बता रहा हूँ मैं आपको हदीस के, जिस तरह 11 तफसीर में हदीस एज इज कोटेड है जो मैं पढ़ने के बाद बता रहा हूँ। अच्छा, ये हदीस सनद के साथ बताइए आपको अब्दुल्लाह बिन अब्बास की, मगर मैं ये इस सेशन में इस तफसील में नहीं जाऊँगा। मैं आपको छोटा आंसर दे देता हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी एक ही हैं, सातों ज़मीनों पर वही मौजूद हैं, ईसा भी एक ही हैं, सातों ज़मीनों पर वही मौजूद है, ये छोटा आंसर है। अब इससे और भी सवाल निकल आते हैं, इसलिए मैं अब इस बारे में नहीं जा रहा अभी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये उनका मतलब यही था। ये बाद में यूसुफ अलसेरी ने अपनी एक किताब है उसके अंदर पूरा का पूरा वो अरबी में लिखी हुई है, पूरा का पूरा ट्रैक भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, मगर ये एक एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे फिर जो चीज़ें समझने की ज़रूरत है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि जो हमारे पास नहीं पहुँचते, कि इंटरगैलेक्टिकल और सात आसमानों, जैसे आपने उस दिन मुझे हदीस सुनाई थी ना कि हदीस में तो फिर रिंग इन द डेजर्ट, रिंग इन अ डेजर्ट, रिंग इन अ डेजर्ट, तो इट इज अन अ टोटली डिफरेंट डिमेंशन दैट यू वर टॉकिंग एट। इवन दो माय क्वेश्चन वुड हैव बीन सिंपल कि रिंग क्यों बोला उन्होंने, समझ आई? सही, रिंग इन अ डेजर्ट क्यों कह रहे हैं अल्लाह ताला, स्टोन इन अ डेजर्ट क्यों नहीं कहा? इट्स अ सर्कल, रिंग इज हॉलो, बिग सर्कल, सर्कल इन अ बिग, मतलब इस लेवल पे स्फेरिकल ट्रैजेक्टरी हो, और वो वर्टिकल नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो वर्टिकल भी हो सकती है, पैरेलल भी एट द सेम टाइम भी हो सकती है। ओके, ठीक है, ये एक बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए फिर आपको कुछ ऐसी किताबें मैं बताता हूँ वो आपने जरूर पढ़नी है, वरना ये सात आसमान और सात ज़मीनें जो है ना ये ऐसे नहीं समझ आएंगी, और बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाती हैं बाय द वे, और इस्लाम इतना क्लियर करके बता देता है ना, क्योंकि इस्लाम इज ऑल एस्ट्रोनॉमी। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ सूरह तारिक जो है, मतलब इससे ज़्यादा वीक ट्रांसलेशन आप पढ़ सकते हैं जो मतलब मुस्लिमों में सूरह तारिक की है, व समाए व तारिक ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार, मतलब कैन यू पॉसिबली इमेजिन और फैदम द मीनिंग ऑफ तारिक इज अ ब्राइट स्टार, एवरी स्टार इज अ ब्राइट स्टार, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ स्टार, व समाए व तारिक व मा अदराका मा तारिक नजमुस साकिब, कि अल्लाह ताला उसकी बड़ाई पे बढ़ाई बनाई बयान कर रहे हैं और हमने कहा उसको कि इज अ ब्राइट स्टार। ये इतनी कोई बेसिक तालीम है ना अगर एस्ट्रोनॉमी के थ्रू इस्लाम को आया जाए, मगर वी नॉट अकस्टम टू इट, बिकॉज हमें बचपन से ही फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स तो बहुत दूर की बात है, हमें तो बेसिक। शेख लास्ट फ्यू क्वेश्चन, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, अभी तो आप शुरू किए थे हमने सर, अभी तो मैं अभी अच्छा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 1 hour 33 minutes, अच्छा मैं आपको मिसाल देता हूँ, उस दिन हमने अफराई जिन की जो आयत निकली मिनल जिन्नी, ये सूरह नमल की आयत, सूरह नमल की क्या आयत है आपको याद है? मैं आपको बता देता हूँ, गौर से सुनिएगा, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये मैं आपको मिसालें बताता हूँ फिर आपको पता चले कि मैं किस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ सब चीज़ों को, और ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया हुआ है और आपके पास तर्जुमे में लिखी भी हुई हैं बातें। हज़रत सुलेमान का मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ फिर आपने तर्जुमा पढ़ना है, ठीक है जी, अरबी पढ़िएगा बरकत से भी लोगों को समझ आएगी। सो द पॉइंट इज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने के दौर में ना जिन्नों और इंसानों की ना आपस में बहुत फ्रिक्शन थी,
तो ये बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जिनकी हमारे पास इतनी ताकतें हैं और आपने इनको क्यों इतनी लिवरेज दी हुई है, किनको? इंसानों को। इंसानों। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में एक पूरा वाकया हुआ, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हज़रत सुलेमान कहते हैं कि वो शीबा का जो तख्त है, जी सबा का तख्त कहते हैं ना आपको अरबी में, जी जी कि वो कौन लेके आएगा। तो जिन ने कहा, और जो जिन्हों का भी टॉप ऑफ द टॉप नोन फॉर इज ओन पावर्स एंड स्ट्रेंथ था, उसका नाम क्या था, इफरीत। इफरीत। इफरीत ने कहा कि आप जब तक खड़े होंगे मैं तख्त ले आऊंगा, जब आप बैठे हुए हैं आप इतनी देर में, जितनी देर में आप खड़े होंगे मैं तख्त उठा के या लाऊंगा। महफिल बर्खास्त होगी नहीं, ये वो भी। खड़े होने का लफ्ज है ना अरबी में, अच्छा इसलिए अच्छा तो है अच्छा बता अच्छा रहा हूँ कि ही सेड कि आपने यहाँ पे बैठे हैं, जैसे ही आपने खड़े हुए आपको तख्त हाजिर होगा। अब दो बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसके अंदर, समझिएगा, ये सूरह नमल में अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं। साथ ही इंसान खड़ा होता, उसका रवायत में बड़ा क्लियर है, इमाम जुजी ने भी बहस की है कि उसका नाम था आसिफ। आसिफ ने कहा कि आप खड़े मत हों, आंख झपकने से पहले मैं आपको वो तख्त ला के देता हूँ। ठीक है। अब मैं फिर वही साइकोलॉजी की बात करता हूँ आपसे, ये तख्त सुनते ही हमारे जहन में क्या तस्वीर आती है, सोचें तो सही, ये इस तरह ये चेयर कि और वो ये सुबह तख्त। अपनी कुर्सी पे बैठी हुई थी, कुर्सी क़ाला उठा के लाने इफ़रीत उन मिनल जिन्नी अना अतीका बिही क़बला अन तक़ूमा मिन मक़ामिक, क्या इससे पहले आप उठें अपने जी, मकाम इससे से पहले अपने मकाम से उठें, मैं ले मैं आपको आऊँगा। तख्त फिर ला वो देता हूं। बंदे ने कहा था बंदे ने क्या कहा सुने, जी, जस्ट अ मोमेंट जी, बंदे ने कहा, सेड वन हु हैड द नॉलेज फ्रॉम द स्क्रिप्चर, आई विल ब्रिंग इट टू यू बिफोर योर ग्लास रिटर्न्स टू यू, एंड व्हेन सोलोमन सॉ इट प्लेस्ड राइट बिफोर हिम ही सेड, दिस इज फ्रॉम द फेवर ऑफ माई लॉर्ड टू टेस्ट मी वेदर आई विल बी ग्रेटफुल और बिल्कुल, अनग्रेटफुल। ये इसमें कुछ चीज़ें डायरेक्ट कट टू द पॉइंट की अल्लाह ताला ने यहाँ जी पे ना, कि जी भैया जी ये निशानी देनी थी तुम्हें, पूरे के पूरे फिजिक्स की तालीम इधर नहीं देनी, क्योंकि फिर ढूंढो खुद अब ईमान की बेस के ऊपर ही तो निकलनी है चाबियाँ। बिल्कुल ठीक। अब उस बंदे ने कहा कि ये उठने में जितनी देर लगती है ना, कितनी देर लगती है अभी उठेंगे, पता चलेगा कुछ 1.5 सेकंड में नहीं लगता, 1.5 सेकंड क्या, क्वार्टर ऑफ अ सेकंड लगता है एक बंदा खड़ा होता जब, ही से क्वार्टर ऑफ अ सेकंड इज टू लॉन्ग ऑफ अ टाइम। जिन इज एनर्जी ना, एनर्जी ट्रांसफर करनी है उसने और फिर वापस करना है मैटर, मैटर में कन्वर्ट, तो विच वी नो नाउ कि किस तरीके से ही इज अ होना गुड था, एमसी स्लेव। फिजिकल ट्रांसेंड करता था उधर, वहां से उठाना था वापस लेके आना था, जो कि बड़ी दूर है बाय द वे, ये यमन जेरूसलम में, और यमन का ये जेरूसलम में थाउजेंड ऑफ फर्स्ट माइल्स। टेम्पल में ना, जिसका यस। तीसरा टेम्पल बनाने की कोशिश हो रही है, ये पहला टेम्पल है जिसके अंदर ये वाकया हो रहा है, ये थर्ड टेम्पल मस्जिद अक्सा पे बना रहे हो डोम द रॉक पे। ही सेड मैं आपको आज क्वार्टर ऑफ अ सेकंड में ला के देता हूं। आदमी ने कहा क्वार्टर ऑफ अ सेकंड इज टू लॉन्ग, माई लॉर्ड आई विल ब्रिंग यू बिफोर यू कैन ब्लिंक योर आई, और साथ ही ताकत हाजिर। दो बातें बड़ी क्लियर हैं इसमें, कि ये कहां से वो तख्त, इंसान कहां, अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन ने इतनी दूर से लाना था इतनी जल्दी, और इंसान ने उठ के फिर कहां से क्या, वहां पे अचानक हमने साइकोलॉजी में ये बात क्षण कर दी अपने, के नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर है उसके पास। इसका मतलब क्या होता है नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर, इसका बड़ा आसान सा मतलब है, जब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि कुरान पाक का इल्म है, ये नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर, सही। लिटिल हदीस है कि जा तुझे अल्लाह ताला नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर दे, जा तुझे अल्लाह ताला कुरान पाक का इल्म दे, और कौन सा सही स्क्रिप्चर है, ठीक है, जिस पर सही सलमान ने स्टैंप किया कि अल्लाह ताला का इल्म है सही अगली आयत में। तो जब अब्दुल्ला बिन अब्बास बता रहे हैं कि मैं कायनात का कोई भी आंसर निकाल सकता हूं, और वो बंदा कह रहा है सिर्फ कि मैं, मेरे पास नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर है, मैं यहां से पोर्टल खोलूंगा, वहां से एंटर करूंगा, वहां से पोर्टल खोल के इधर ले आऊंगा उसको। सो इट इज नॉट अ स्मॉल चेयर दैट इज ब्रिंगिंग इन, तो पूरा एक ये पूरा इलाका है वो, इट्स अ बिग यस यस पैलेस दैट इज ब्रिंग्स इन फ्रंट। सो जब ये काम वो करता है हमें कोई हैरत नहीं होती, मगर जुल्करनैन जब बैरियर खोलता है तो हम कहते हैं नहीं, वो पहाड़ के अंदर लोहे की दीवार है। अभी मैं सही आऊंगा अगले सेशन में, जब वो लोहा जी। और तांबा क्यों मिक्स किया गया इधर, इट सही परफेक्टली एक्सप्लेन ऑफ हाउ द स्टैटिक चार्ज, वो किस, अच्छा दूसरी बात, कुरान पाक खुद बता रहा है कि वो नीचे से भी नहीं एंटर हो सकते और ऊपर से भी नहीं एंटर हो सकते, ये कौन सी ऐसी दीवार है कि जिसमें याजूज माजूज ऊपर से भी सही नहीं आ सकते। सो इट इज इन द सिंप्लिसिटी ऑफ द सूरा, नॉट इन द इमेजिनेशन ऑफ द सूरा दैट यू हैव टू गो इन टू, लिटरली रीड इट लाइक अ जर्मनी अरब वुड रीड इट, यू बी लाइक दिस इज नॉट इन द प्लैनेट, आई नीड टू कम आउट ऑफ दिस प्लैनेट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हेन द जाल इज गोना कम। एंड व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट इंटरगैलेक्टिकल, ये हजरत तमीमुद्दारी का एहसान है हम पे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एहसान है कि जो उन्होंने बताया कि ये टाइम ट्रेवल कर रहा है दज्जाल, वरना ये बात क्यों, ये जहन में आती कैसे हमारे बात,
दजाल इज गोइंग टू ट्रेवल थ्रू टाइम फॉर श्योर, खुदा की कसम उस वक्त वो जिंदा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें जी। तो वो जिंदा था तो अभी तक कितने हजार साल से जिंदा है वो, और जवान का जवान आएगा जब पैदा होगा दोबारा से, जिस तरीके से आसिफ ने तख्त उठाया इस तरह दजाल अपने आप को अपनी माँ के पेट से निकाल के दुनिया में पूरी तरीके से परवरिश पाएगा। वाई कैन वी कनेक्ट द सिंपल सिंपलिसिटी ऑफ टू डॉट्स। और ये तमीमुद्दारी की हदीस इतना बड़ा ताला खोल देती है, वरना हमने दजाल के सिर्फ और सिर्फ अच्छा ट्रेसिस ही ढूंढने थे कि कहाँ से कनेक्ट करें। जब तमीमुद्दारी दजाल से मिल चुके हमें पता है, तो और कौन सी ऐसी पर्सपेक्टिव है जिसके थ्रू आप दजाल को दुनिया में वापस लेके आए? इसके अलावा कोई पर्सपेक्टिव है तो बता दें कि वो इंटर डायमेंशनल ट्रेजेक्ट्री करता है और इंटरगैलेक्टिकल मोशन करता है। If he was alive at that time, which he was. मुझे एक चीज याद आ गई है, वैसे तो फैंटेसी ही है एवेंजर्स मूवीज जो बनाते हैं वो, शायद आपने पता नहीं देखी है कि नहीं, उसमें यही चीजें दिखा रहे हैं कि पोर्टल्स खुल रहे हैं, दूसरी मखलूक आ रही है वहां से और ह्यूमन बींग्स उधर ट्रेवल कर रहे हैं, एवेंजर्स जो है एक और गैलेक्सी में जा रहे हैं, वहां जाके वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से मिलते हैं, उनके साथ रैली करते हैं, थेनस कैरेक्टर ये सिर्फ उसमें नहीं, वो ट्रांसफॉर्मर्स में भी, वो ट्रांसफॉर्मर्स में भी बड़ा, ये आजकल की मूवीज बनी इस थीम पे, आजकल की नहीं है सर, असल में आजकल ना मूवीज बहुत वायरल हुई हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है ना किताबों में बहुत पहले के लिखे, किताबों में बहुत पहले, अब ये कैसे आए हैं? बिल्कुल मैं बताता हूँ ना ये कैसे हैं, बड़ा अच्छा सवाल है आपको, क्योंकि इस सवाल बड़े रेलिवेंट है हमारे लिए। इन लोगों की जो साइकोलॉजी है ना वो सही डेवलप हुई हुई है, हम लोगों की साइकोलॉजी तिलिस्माती किस्म की बना दी गई। सही, हज़रत जिब्राइल जब दुनिया में इंसानों की तरह आते हैं तो क्या आपको कोई मूवी का सीन नहीं लग रहा कि फरिश्ता इंसान में कन्वर्ट हुआ है और वो आ गया है? हमें वैसा ही लगना चाहिए। इट इज अ फिजिकल एंटिटी, ही बिकम्स अ फिजिकल बीइंग व्हेन ही कम्स टू द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवरी सिंगल टाइम। बिल्कुल ठीक, बट हमें अचानक फरिश्ते को हमने एक जादुई किस्म के ब्लैक एंड यू नो इन साइड द स्पेस कहीं पे मुल्लक किया हुआ है हमने। अल्लाह ताला लिटिल आसान अल्फाज में बता गए कि ट्रैक के थ्रू आते हैं, मारिज के थ्रू आते हैं, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं अल्लाह के यहाँ के, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं इसरा अल मेराज, ठीक है, वही मेराज का लफ्ज अल्लाह ताला यूज कर रहे हैं, और अल्लाह अपने लिए भी कहते हैं ना मिन अल्लाह ज़िल मआरिज, बिल्कुल द ओनर ऑफ द वेज ऑफ असेंशन अल्लाह, ठीक है, और मआरिज का लफ्ज अल्लाह ताला ने खुद यूज किया, फिर नबी अलैहि सलाम के लिए भी यूज किया, अपने लिए भी यूज किया। सो व्हाई डू वी एज मुस्लिम्स हैव अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग दैट दीज आर फिजिकल वेज थ्रू विच फिजिकल बींग्स ट्रैवल? और अगर सिर्फ नूरी मखलूकात के लिए होता तो फिर ठीक है मान लेते हैं, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर नूरी माने आप, और ईसा को नूरी माने, ये दो कौमें मानती हैं नूरी, एक पाकिस्तान में भी मुसलमान है जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को नूरी मानते हैं, और कहीं वो मुसलमान नहीं पाए जाते बाय द वे, ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में ये खुराफात आई थी। दूसरा हज़रत ईसा नूरी मानते हैं, तो ये दो नबी तो हो गया, फिर भी हज़रत इदरीस नहीं पूरे आते ना उसके ऊपर, वो भी फिर जमीनी मखलूक ऊपर कैसे जाती है, और आदम नीचे कैसे आते हैं, वो भी नूरी थे, हाउ कैन ऑल ऑफ दिस हैपन, हवा भी नूरी थी, आदम तो चलो नबी थे, हवा पे कौन सा हमने फतवा लगाया हुआ कि वो भी कोई नूरी मखलूक थी, ठीक, दैट्स अ रेगुलर वुमन कमिंग डाउन ऑन प्लेनेट, बिल्कुल सही, शी इज जस्ट लाइक हज़रत खदीजा द वाइफ ऑफ अ प्रॉफिट, लाइक हज़रत आसिया वाइफ ऑफ अ प्रॉफिट, हवा वाइफ ऑफ अ प्रॉफिट, हाउ कम शी गेट्स दैट लिटिल टिकट टू बिकम यू नो इंटरगैलेक्टिक मूवर? सो इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, एंड इट इज गोइंग टू ओपन, असहाबे काफ के गार की डायमेंशन भी अल्लाह ने बताई हुई है, और भी आएंगे वापस, और ज़ुल्करनैन ने भी डायमेंशन बताई, फिर याजूद माजूद भी डायमेंशन बता रहे हैं कि ऊपर से छत कैसे सील की उस बैरियर की, ऊपर से भी ना गुजर सके वो, ठीक है, और ऑब्वियसली उस बैरियर के बाहर तो स्पेस है ना, वहां से तो गुजर ही नहीं सकते वो, वरना दुनिया में कोई भी डैम बना के दिखाए उसके लेफ्ट राइट से गुजरने में कौन सी साइंस लगती है? सही, बिल्कुल ठीक, मुझे तो आपके साइकोलॉजी में कैसे बात फिट करते हैं, आपके समंदर के सेंटर में एक डैम बना दिया। तो शेख वो जो हमारे स्कॉलर्स कहते हैं बिकॉज दे आर रिस्पेक्टेबल कि ऐसी चीज़ों की तावील नहीं करनी चाहिए, ये तावील थोड़ी मैंने की है, तावील पता क्या होता है कि मैं ऐसा मतलब निकाल लूँ जो कि सहाबा ने नहीं निकाला था, तो फिर आपने एक आंख वाली बात पे अब सयाद इब्ने सयाद को कैसे फिट किया है, सहाबा को क्यों कोई और मतलब मिलते थे, हमें कोई और कोई मतलब, इमाम नववी ने क्यों कहा कि इस सूरत में ऐसी ऐसी चाबियाँ हैं जो कि सोचने वालों को दजाल से बचा लेंगी, ये बीच का जो गैप आ रहा है ना इसको रिकग्नाइज करने की जरूरत है, इसीलिए फिर दिगंबी पैदा होते हैं हमें, ठीक है, वो फिर लेफ्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, इसीलिए फिर
यासिर काजी पहाड़ पहाड़ बना देते हैं, वो चले, वो मैंने हमने नाम यासिर काजी पहाड़ का ले बनाया ना लिया, उन्होंने, ठीक है। वैसे तो सारों नहीं पहाड़ या जो है फिर शेख उसके। इमरान आर्मीनियन ज्यूस को करते हैं, और दजाल को इंग्लैंड में रखा हुआ उन्होंने अभी तक। मैं आई स्वेयर आई आई नो ही, मलका नहीं नहीं मलका नहीं, वो कहते हैं वो जसासा जासूस था, तो जी, जासूस द की लैंड सबसे ऑफ जो लोकल जो ये सेंटर ऑफ एस्पियोनाज है वो इंग्लैंड है, तो वो मस्ट बी इंग्लैंड में, ही देयर। हैज टू बी देयर, ही इज देयर। आई डोंट नो जिस बंदे, देखिए मैंने आपको अपनी सिर्फ राय बताई है, मैं बिल्कुल कोई ठीक, मुफ्ती थोड़ी हूँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई कुड बी टोटली रॉन्ग, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन ऑप्शन टू थिंक कि हाउ कैन अब्दुल्ला बिन अब्बास से के कायनात के सारे सवाल कुरान पाक से हैं। ठीक है। मैं सारा गलत हूं, मगर खुदा की कसम अब्दुल्ला बिन अब्बास गलत नहीं, क्योंकि मुस्तनद तरीन हदीस में दुआ है उनके लिए, बिल्कुल सही। ठीक है। वो अगर इस केस के ऊपर गलत नहीं थे ना, उन्होंने सबूत पर सबूत दिए, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इमाम नवी के एंगल से क्यों नहीं सोचते हैं। वी आर मुस्लिम्स हियर, व्हाई आर वी नॉट बॉदरिंग आवर सेल्व्स टू स्टार्ट टू आस्क आवर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन विच कम थ्रू आवर सेल्व्स, के वो जो है ना वो रोमन गॉड्स, मैं आपको बड़ी बड़ी क्रिटिकल बात करने लगा हूँ, जो रोमन गॉड्स की और ग्रीक गॉड्स की मिथोलॉजी है, उनकी साइकोलॉजी लेकिन बिल्कुल ठीक है, मिथोलॉजी बेशक दो नंबर है, ठीक। साइकोलॉजी परफेक्ट है, क्योंकि उसी साइकोलॉजी पे फरिश्ते नीचे हमें देखने, हमें भी देखना चाहिए कि फरिश्ते ज़मीन पे आते हैं, शबे कदर को ज़मीन पे आते हैं, बिल्कुल उस तरीके से हज़रत जिब्राइल इंसानी रूप धारते थे और आके इंसानों से मिलते थे, यहाँ तक कि सहाबा देखते थे कि ये अभी इसके बाल कैसे गीले हैं अभी तक, क्या बात, समझ रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। उनके बाल कैसे गीले होते थे, सफर अरब में सफर 10 मिनट में बाल सूख जाते हैं, ये कहाँ से आया यार, हमें भी नहीं, हम जानते भी नहीं, और ये लोकल किसी हमाम से निकल के तो नहीं आ सकता ना। सही सही। सो दिस इज द साइकोलॉजी दैट वी हैव टू अडॉप्ट, विच द ग्रीक हैड, विच द रोमन्स हैड, विच द इंडियंस हैड, उन्होंने जितने जितनी मर्जी हवाई बातें की हों, साइकोलॉजिकली वो उसको फिजिकल बीइंग का ही दर्जा दे के उसकी रियलिटी से फिर गेन लेते हैं। हमने ठीक, जब तक इनको हवा में लटकाया ना, हर ईसा को भी और फरिश्तों को भी, और तब तक हम इनसे कोई हिदायत नहीं ले सके। सही। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से मेराज हुई है वो बगैर किसी इस तरह के कॉन्सेप्ट के फिर रूहानियत ही में आती है, सही। ठीक है। मैं बता दूं मेराज का, सूरह बनी इसराइल का असली नाम मेराज है, जी, इसरा, सूरह इसरा है, इसरा, और पहली आयत में अल्लाह ताला ने बता दिया हम इसको लेके गए, ठीक बिल्कुल है, ठीक, फिजिकली लेके गए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और सारा कुछ फिजिकली लेके आया, और फिर भी अल्लाह हू अकबर, अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस ना होती तो इसके ऊपर भी दो हदीसें मिलती हैं ख्वाब में हमारे सफर, वो तो शुक्र है वो उसके रावी चेक हो गए, नहीं तो अब्दुल्ला सही, बिन अब्बास ने आगे कहा कि ये आंख से देखा हुआ सारा कुछ ये ख्वाब और दिल की आंख से नहीं है, ये वाली बिल्कुल। आंख से देखे हुआ सारा सफर है, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास आके बचा रहे हैं हमें, फिजिकली, यस यस। हम वन आप एक अब्दुल्ला बिन अब्बास को निकाले ना बीच में से, तो हमेशा इधर उधर की कंफ्यूजन बीच में आई, ठीक ठीक है। ठीक। मैंने खुद एक हदीस आयशा से मर भी पढ़ ली है कि ये ख्वाब का सफर था, बिल्कुल सही, रूहानी सफर था बिल्कुल सर। सही। सो उसके रावी तरावीक थे, शुक्र है वो तो क्लियर हो गई हुई है बात, मगर द पॉइंट इज इफ यू डू नॉट सी द कुरान एज अ बुक विच इज फॉर यू, देन यू आर गोइंग टू थिंक इट वॉज अ बुक विच वॉज फॉर पीपल 1400 years अगो, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू मौलवियों के लिए तलावतें बस, करेंगे, और तिलावत करेंगे। कोई 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 बंदा हमें बताएगा इसका क्या मतलब है। इसमें अगर आपको अरबी नहीं आती तो एटलीस्ट 7-8 तफसीरें ही पकड़ लें, कितनी देर लगती है कुरान पाक शेख, को। चलें, आज का तो डिस्कशन का मेन पॉइंट यही था कि इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल जो है, इट इज़ रियल। ओके, दिस फॉर इज़ नॉट अ श्योर मेड अप स्टफ। और इस मूवीज़ में मतलब कितना ज़्यादा कोट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। अगर फैंटेसी बहुत भी तरह आ की रही है साइकोलॉजी तो ऐसे है ना, जी, वो साइकोलॉजी उनकी ऐसे सही बनी हुई है तो उस तरह की बट बड़ी बातें कर रही रेलेवेंट है है। वो सारी चीज़ें। एवेंजर्स का जो मैंने नाम लिया ना, मेरे ख्याल आपने नहीं देखी है, नहीं लेकिन मैंने नहीं देखी, जो मगर ये मैं बता जो दूं, ऑडियंस इस वक्त देख रही है, उनको पता लग गया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एवेंजर्स मूवी को मैंने रेफर क्यों किया। तो ये बस अगला वो पॉइंट, सदफाइन के ऊपर है आप ये कह रहे हैं। जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। और ह्यूमन बीइंग्स उधर जा रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, इंट्रैक्शन हो रही है बकायदा। ओके, प्लानट को सेव करने की कोशिश जारी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बड़ा कुछ है। तो शेख, ये तो चलें बात, एक बड़ा अच्छा आपने इस पर्सपेक्टिव दिया, आपने एक सोच दी। सूरह ओके नमल बस याद रखिएगा, जी। वो बहुत ही बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है। हजरत खिजर पे तो बहुत मसले हैं ना हमें मुसलमानों ने, एक ने तो कह दिया खिजर ही नहीं थे, सही, एक ने कहा खिजर थे, मगर
दुनिया में चल रहे थे, सही और एक ने कहा आप हयात पी आवा, दूसरे ने कहा नहीं मर गए हैं, और अल्लाह के सही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदर में मदद क्यों नहीं की। मतलब जहाँ से जिसको सिरा मिलता ना खींच लेता, ये नहीं देखता कि कम आउटसाइड द पिक्चर, लुक एट इट फ्रॉम अ वे बिगर परस्पेक्टिव एंड सी वेयर द कुरान इज हेल्पिंग अस। और जितनी हेल्प मुझे आसिफ ने की है ना सूरह नमल में, सूरह नमल में तो अल्लाह ताला ने मतलब पुराने सारे बुत ही तोड़ दिए थे, साइकोलॉजिकल बुत है हमारे के। बिल्कुल सही। जो वो फिजिकल बीइंग स्टैंडिंग ऑन दिस प्लैनेट डज पिक्स अप अ थिंग फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट ब्रिंग्स इट आउट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एंड ओह इसके ऊपर मैं गांधी साहब का बड़ा मैं वो बता दूं, ही सेड कि उसको कोई ऐसा नफसानी इल्म था जो कि खास एक माहिर नफ्सियात की करते होते हैं, यानी इल्यूजन क्रिएटेड इन इल्यूजन। नहीं नहीं जो भी था उनका उनका मतलब इल्यूजन नहीं था, ही सेड कि ऐसे उलूम हैं कुछ जो कि लोगों के अंदर ही ताकतें ले आते हैं। अच्छा, हिम्मत नहीं कर सके कि वो इसको पोर्टल और इंटरकलेक्टिकल या थ्रू, और ऐसे ऐसे अल्फाज हैं अब बाबा के फतेहत, मतलब सिर्फ दरवाजे के कॉन्सेप्ट के ऊपर अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, कुरान पाक भरा पड़ा है। मैं तो अभी उस टॉपिक पे फतिहत इस्समा व फकानत, और एक भी नहीं है मेरे पास, ये पूरे पेपर पर मैंने सिर्फ रेफरेंसेस के रखे हुए थे, मगर मैं आप इतनी लंबी तफसील में नहीं जा रहे, हम अगले सेशन में जाएंगे इंशाल्लाह। मगर अल्लाह ताला जब भी बात करते हैं ना पोर्टल्स की, ये उसको डोर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ नॉट अ स्मॉल मैटर कि अल्लाह ताला इसको दरवाज़ा कह रहे हैं। शेख नेक्स्ट सेशन में अब ज़्यादा से ज़्यादा ना हम कुरान की वर्सेस थ्रू आउट जो है ना वो इंशाल्लाह कोट करेंगे, और दज्जाल के हवाले से बहुत से क्वेश्चंस हैं और मेरे भी हैं, बल्कि बहुत से क्वेश्चन दज्जाल के हवाले से, डायरेक्ट हम उस टॉपिक पर अब आएंगे। ये तो चलें एक बैकग्राउंड बना के, ये भी हो सकता है, ये जो आपका पर्सपेक्टिव है क्या पता ये भी हो सकता है कि, तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा था सबको कि मैं खुद मेरी इस पे वर्कशॉप है दज्जाल पे, जो कि आप सब ने देखी भी होगी, लेकिन मेरा मुझे बहुत शौक है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोगों से जानूं दज्जालियत के बारे में, दज्जाल के बारे में, सूरह काफ के बारे में, क्योंकि वी शुड डेल्व डीप। और ये नीयत ये नहीं है, अल्लाह रहम करे, बिल्कुल ना शेख की ये नीयत है, ना मेरी ये नीयत है, ना किसी और की ये नीयत होगी कि हम कुरान को गलत इंटरप्रेट करें, नाउज़ बिल्ला, अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। एक चीज़ मैं आपको सॉरी एक चीज़ मैं आपको मैंने बात करते करते मैं आपको इसके ना दो सबूत मैं आपको और दे दूँ जी जाते वक्त, ये अच्छा हो गया जाते वक्त याद आ गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने इब्ने कसीर में कोटेड है कि ज़ुल्करनैन को अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत दे दी थी कि वो बादलों के ऊपर ट्रैवल करता था, इब्ने कसीर में। अच्छा, अली बिन अबी तालिब खुद इरशाद फरमा रहे हैं, ठीक है, कि अल्लाह ताला है सबजुगेटेड द क्लाउड्स फॉर ज़ुल्करनैन एंड ही यूज्ड टू ट्रैवल थ्रू द क्लाउड्स, ठीक है, तो ये जमीन की कहां से बात आ गई। सही सही। और अब आगे सुने सोने पे सुहागा, अब मैं इसका रेफरेंस दूंगा जिनको पता होगा, काब अल अहबार जो है रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कहा था कि ज़ुल्करनैन ने अपना घोड़ा सितारे से बांधा था। अच्छा, ठीक है, इमाम सयूती ने नकल किया है इस हदीस को। अब जिसको पता है काबिल अखबार का वो मुझे कहेगा कि ये कोई वेल रिस्पेक्टेड रावी नहीं है। अच्छा, मगर मैं आपको इसलिए बता दूं वाकई ये वेल रिस्पेक्टेड रावी नहीं है, क्योंकि वो यहूदियत के से कन्वर्ट हुए थे और दो चार जगहों के ऊपर ऐसी हदीस रकम की है, मगर वो जिस असमा और रजाल की नस के ऊपर हिट लगती है वो ये हदीस उस नस पे लगती नहीं आगे। ठीक है, ज़ुल्करनैन ने अपना घोड़ा सितारे से जो बांधा था वो उस अस्मा और रिजाल की नस के जो जो चार नसूस हैं वो चारों की चारों नसूस इस हदीस पर फिट नहीं आती, कि ना ये किसी यहूदियत को फ़रोग दे रही है कि जो पुरानी बायसनेस दिखाई हो, ना ये किसी टाइम ऑफ द कि मैंने सुना उस बंदे से, उस बंदा उस वाक़े में था ही नहीं उस दौर में, और ना ही इनके हाफजे में कोई मसला था। ठीक, दिस इज़ द केस ऑफ ए theological perspective which is as good as any hadith and anyone ever can quote in the case of Asma ur Rijal. So iski sanad ke upar check to kiya hi nahi gaya ki is hadith ki sanad kyun check karni ja, to isne to baad hi is bande ki hai jo us daur mein koi bhi nahi tha. Sahi, theek hai, ek baat. Dusri baat, ek sahabi agar is bare mein soch rahe hain, main aapko khali ye batane ki koshish kar raha hu, Kaab al-Ahbar agar soch rahe hain is bare mein ki wo sitare pe tha, to ye baat humne gaur karni, ye nahi ki unhone sahi kaha hai galat,
वो सितारों का क्यों सोच रहे हैं, वो जमीन के ऊपर आर्मीनिया क्यों नहीं सोच रहे सही कि ज़ुल्करनैन ने अपना घोड़ा सितारे से बांधा था। भाई देखो सितारे से बांधने का मतलब साइकोलॉजिकली ये नहीं कि घोड़ा जमीन पे खड़ा था, रस्सी सितारे पे जा रही थी, उसका मतलब ये है कि वो सितारे पे थे, वहां पे कहीं चीज पे बांधा, मतलब ही वॉज अप इन द स्काई समवेयर इन द हेवंस एंड ही टाइड हिज हॉर्स, ही टुक हिज हॉर्स देयर एंड व्हाई ही वाज डीलिंग ही टाइड हिज हॉर्स देयर, तो सितारे से बांधा, जैसे कि मैं चांद पे हूं और घोड़ा मैं घोड़े पे गया हूँ तो वहां पे कहीं पे बांधूंगा, तो यहाँ पे लोकेंगे ना घोड़ा से चांद से बांधा हुआ है, तो बिल्कुल उन्होंने अरबी में इसका मतलब ये